हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और आदि की तरफ से। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं जो कि होने वाला है जन्माष्टमी स्पेशल। और फिलहाल जो है ना, घर में जो भी साफ सफाई ये सारी चीजें करने के बाद अभी जा रही हूँ थोड़ा मार्केट, माला फूल साथ में कुछ प्रसाद के लिए मिठाइयाँ ये सारी चीजें लेने के लिए जा रही हूँ। तो चलिए झटपट से वो सारी चीजें लेके आते हैं, इसके बाद पूजा करेंगे और सारी चीजें आपको अच्छे से आज के ब्लॉग में दिखाएंगे। साथ ही साथ मेरे घर में जो भी छोटा सा मंदिर है वहां भी आप लोगों को आज दर्शन करवाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। और एक बात और बोलूंगी फ्रेंड्स, मेरा रूम जो है ना बस एक ही कमरे के अंदर छोटा सा ही एक स्पेस में मंदिर है, तो जो भी है सिंपल में ही करती हूँ, तो उसके लिए प्लीज जज मत कीजिएगा और कोई नेगेटिव कमेंट मत दीजिएगा ये ऐसे क्यों वो वैसे क्यों। जितना जगह है मेरे पास उतने में ही थोड़े में कर लेती हूँ जैसे भी होता है, और सोची हूँ कि जो कुछ भी करती हूँ जैसे भी करती हूँ वो सारी चीजें आज के ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो बने रहिए, चलते हैं, पहले माला फूल मिठाइयाँ सब लेके आते हैं, इसके बाद करते हैं पूजा की। सबसे पहले आ गई हूँ मिठाई लेने के लिए ठाकुरगाछी टीकाराम में। तो जाते हैं, रोड क्रॉस करना है, मिठाई पहले ले लेते हैं फिर चलेंगे वीआईपी मार्केट बाकी सामान लेने। दुकान में है ना जन्माष्टमी के लिए तो भीड़ बहुत लगी हुई रहती है, तो चलिए आज आपको ना दिखाएंगे बीकाराम में खास जन्माष्टमी के लिए बहुत तरह तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं, साथ में छप्पन भोग के पैकेट्स रहते हैं, वो सारी चीज़ें चलिए आपको दिखाती हूँ अंदर जाके। देख रहे हैं ना कितनी तरह की मिठाइयाँ मिल रही है यहाँ पे, और सारी चीज़ें जो है ना छोटे छोटे साइज में बनाई जाती हैं क्योंकि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल इनका भोग लगाएंगे। वैसे जो लोग वो रेडी टू टेक जो प्लेट्स में आपने देखा छप्पन भोग, वो सब तो काफ़ी महंगे होते हैं, तो हर कोई उतना ज़्यादा नहीं भी ले सकता है, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें जो है ना लूज़ भी देखिए इस तरह से मिलती हैं 1200 रुपये किलो। तो उस हिसाब से आप जो भी चाहिए, एक पीस, दो पीस, तीन पीस, जिस तरह से भी चाहिए सारी चीज़ें आप लेके फिर उसका वजन करके वो लोग आपको दे देंगे मिठाई के डब्बे में। इस तरह का भी ऑप्शन अवेलेबल है। साथ में मटका आप देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत सा मटका मिल रहा है, तो वो मटके में माखन मिश्री मिक्स करके रहती है जो कि आसान रहता है पूजा करने के लिए, तो एक मटका 35 का आएगा। इस तरह से है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को जानकारी के लिए ही बता दे रही हूँ ताकि अगर आप लोग चाहें कभी तो जन्माष्टमी के टाइम पे यहाँ बीकाराम में आके आप ले सकते हैं काकुरगाछी में। इस तरह की देखिए सारी चीज़ें मिलती हैं, काजू कतली से लेके पिस्ता रोल, सारी चीज़ें छोटे छोटे साइज़ में बस पीस के हिसाब से नहीं मिलती हैं, 1200 रुपये किलो मिलती हैं, तो आप लोग भी चाहें तो यहाँ से आके ले सकते हैं। तो मैं भी ना वो बड़े बड़े ट्रेज में जो है वो सब तो 1000 के रेंज में, 500 के रेंज में ऐसे थी, तो मैंने सोचा कि डब्बे में बनवा लेती हूँ, सस्ते में हो जाएगा। तो मुझे जितना चाहिए सारी वैरायटी मैंने थोड़ी थोड़ी लेके डब्बा बनवा लिया अपना, लेकिन फिर भी ना 400 या 450 ग्राम का मेरा डब्बा बना था। इसके अलावा मैंने माखन मिश्री लिया, साथ में धनिया पंजीरी वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। फिर वो मावा का जो केक बना हुआ देखा ना आपने कान्हा जी के लिए, वो एक केक भी मैंने लिया, तो ये सारी चीज़ें मिला के ना मुझे वो घूम फिर के उतना ही प्राइस पड़ गया मोर और लेस समझिए। वो 1000 का बड़ा वाला ट्रे आता है और मेरा 850 या 900 का बिल हो ही गया था ऐसे भी। तो मतलब चाहे ट्रे लीजिए चाहे आप लूज़ लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको रहेगा नहीं। तो मैं भी यहाँ ले लेती हूँ, इसके बाद चलते हैं माला फूल लेने के लिए। और वहाँ एक चॉकलेट वाला बर्फी है ना स्क्वायर, वो 4 पीस दे दीजिए। और क्या? 4 पीस। और वो केसर वाला पेड़ा जो है लास्ट, वो भी 4 पीस दे दीजिए लास्ट। नारियल बर्फी 4। अभी थोड़ा फ्रेश में से दीजिए भैया, सबका मत दीजिए।
ये दे दीजिए रोल, पिस्ता रोल विमल फिल बनाएगा ये भी चार दे दीजिए, ये भी तो नारियल का है ना भैया, ये भी व्हाइट भी दे दीजिए भैया, एक और डब्बा दो ना। भैया वो क्या चीज कलेक्ट हुआ है, वो तो दो दे दीजिए भैया, ये तीन चाहिए, तीन दो ड्राइविंग लग जाए एक अलग से देना पड़ेगा। प्राइस कैसे पता चलेगा, वेट कैसे, ये वाला भी दे दीजिए और वीडियो भी बनाना रहेगा ना घर में, कितना आएगा बता दीजिए, ये दे दीजिए भैया, ये वाला दे दीजिए, ओ भैया ये दे दीजिए, तीन दे दीजिए, ये तीन दे दीजिए, 1200 का 400 उसमें भीगेगा नहीं ना, एक मिनी गुलाब जामुन बस, और हमको ये चाहिए माखन मिश्री तीन चाहिए, भैया एक बार दिखा दीजिए मेरे टेक 125 वाला बड़ा ज्यादा किलो, एक माखन छोटा वाला, एक अंगूरी आ गई हूँ वीआईपी मार्केट, यहाँ से माला फूल वगैरह लेना है, आसन के लिए एक कपड़ा लेना है, तो वो सारी चीजें ले लेते हैं, इसके बाद चलेंगे घर। फ्रेंड्स पहले जाते हैं दशकर्मा भंडार में, मुझे आसन चाहिए, इसके अलावा लाल कपड़ा जो होता है ना बिछाने के लिए वो चाहिए, एक्चुअली कपड़ा जो है वस्त्र वो तो मैं वृंदावन से ले आई थी, तो आसन वगैरह मेरे को लेना रह गया था, मैं भूल गई थी एक्चुअली, बाज़ार गई थी जब बड़ा बाज़ार, तो चलिए पहले वो ले लेते हैं, इसके बाद माला फूल ले लेंगे और बस इसके बाद घर जाएंगे। भैया लाल कपड़ा मिलेगा, आधा मीटर कितना, दे दीजिए चीनी दे दीजिए हमको 20, एक मीटर दे दीजिए, एक मीटर चलिए आसन भी ले लिया मैंने, अब चलते हैं माला फूल ले लेंगे, बस काम हमारा हो जाएगा खत्म। नमस्ते भाई, বারো পিস কোনটা বেশি ভালো হবে, এটা না এটা, এই দানা গুলো আর এটা একটা দিন, ৫ টাকা দিন, আজ দাম বেশি সব, তাই তো এটা ১২ পিস দেবেন, হ্যাঁ আর একটা এই জুঁই মালা আর একটা হলুদ গেঁদা মালা, যে লাইন হয় না এরকম লম্বা লাইন, ওইটা একটা দিয়ে, একটা জুঁই একটা হলুদ গেঁদা, আর এটা কি বলে এটাকে, কমল ফুল বাংলাতে কি বলে, পদ্ম ফুল, ওইটা একটা দিবেন, হলুদ গেঁদা কেটে দে, পদ্ম পড়া তুলে লাগাও, হ্যাঁ এটা দাও দুটো ২০ টাকা করে রাখো, এটা কত করে বলে দিতে, এইটা কত দাম আছে এই ছোট মালাগুলো, সব দাম বেশি, একটা একটা একদম ভালো দেখে দেবেন, হ্যাঁ এই ঠিক আছে, ঠিক আছে ডান্ডা অত বড় লাগবে না, ভেঙে দিন পদ্ম কত করে, আর তুলসি পাতা কুচো ফুল সব দিয়ে দেবেন, হ্যাঁ দাদা তুলসি পাতা একটু কুচো ফুল, কুচো ফুলের মধ্যে কয়েকটা জমা দেবেন, তিন মালা দে তো, ইয়ে কটলে গালি যা, আচ্ছা 300 টাকা, অর্কিড গুলো কত করে স্টিক, দুটোই নীল, নীলটা দিন না একটা, অফিস ফুল হবে 4-5টা হবে তো,
ভালো দেখে একটা বার করুন একটু কম করুন দাদা সব টোটালের মধ্যে কটা একটা ওই তো ছোট মালা আর ওইটা কত মালা ছোটটা এইটা এইটা ওই যে যেটা হাত দিয়েছেন আঙ্কেল এইটা আঙ্কেল দেশ দাদা একটু দেখে দিন না কটা ফুল আছে এর মধ্যে অর্কিড এরকমই হবে পলি থাকে উপর তো সবে একসঙ্গে আছে বলে মনে হচ্ছে এরকমই অর্কিড নিচে পলি কোটা উপরে পলি পাঁচটার বেশি নেই কোনো প্লাস্টিক না সবে এরকমই হয় আচ্ছা আমার কত হলো খুচরো ফুলের মধ্যে জবা দিয়েছেন আর তুলসী পাতা একটু বেশি করে দেবেন দুলপো বিল করা সব দিয়েছি পাঁচটা ফুল মনে হচ্ছে কম হয়ে যাবে ওই সেম কালার দেবেন একটু দেখুন না যদি আরো ভালো বের হয় তো আরো ভালো কত হলো আর একটু কম করুন দাদা প্লিজ কত বলেছিলাম কত फ्रेंड्स देखिए आज तो ऐसे भी जन्माष्टमी है तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी है और कम तो यहाँ करना ही नहीं चाहते हैं लोग और ये जो देखिए इतने सारे बुकेज देख रहे हैं ना ये देखिए ये सारी बैंगलोर रोजेज़ है बहुत खूबसूरत यहीं से मैं केक के लिए भी ले जाती हूँ जब ऑर्डर्स रहते हैं फ्रेंड्स हो गया है सारी चीज़ें खरीदना फूल जो भी चाहिए था प्रसाद फूल माला सब कुछ हो गया और अब जा रहे हैं घर चलिए घर जाते हैं और पूजा की तैयारी करना है एक बार फिर से नहाऊंगी नहा के फ्रेश होकर फिर पूजा के काम में लग जाऊंगी तो बने रहिए आज पूरा पूजा जो भी होगा सब कुछ आज के ब्लॉग में रहेगा तो पहले चलते हैं घर इसके बाद आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे बने रहिए फ्रेंड्स वीआईपी मार्केट में ना पेपर प्लेट भी मुझे लेना था वो मैं भूल गई तो थोड़ा मंदिर में उतर गई हूँ ऑटो से और ले ली मैं यहाँ से पेपर प्लेट ले ली अब यहाँ से थोड़ी दूर तक घर है तो पैदल ही जा रही हूँ भूल जाती हूँ ना आधी आधी चीज़ें यही बहुत दिक्कत होती है डबल डबल मुझे काम करना पड़ जाता है इसी चक्कर में भूलने की बीमारी बहुत प्रॉब्लम देती है एनी वेज अब सारी चीज़ें हो गई अब चलते हैं घर और करते हैं पूजा फ्रेंड्स ब्लॉग जो है काफ़ी लंबा हो जा रहा है तो ऐसा करते हैं कि पूजा जो करेंगे जन्माष्टमी की वो वाला आपको सेकेंड पार्ट में दिखाते हैं वैसे भी एडिटिंग में काफ़ी समय लग जा रहा है और घर में पूजा है तो आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है काम वगैरह का क्योंकि अकेले हाथ से सब कुछ करना है एक सिंगल मदर हूँ न्यू व्यूअर्स के लिए बता दूँ तो सारी चीज़ें अकेले ही करनी रहती है तो बहुत प्रेशर हो जाता है तो एनीवेज़ अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को और आज का व्लॉग कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और न्यू व्यूअर्स जो हैं उन्हें रिक्वेस्ट है अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए तो फिर मिलती हूँ बहुत जल्द जन्माष्टमी की पूजा वाला व्लॉग लेके तब तक के लिए बाय बाय हैव अ गुड डे एंड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू